विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आइए हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण छह प्रकार से किया गया है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंत ओष्ठ। अब इसकी जगह पर, कंठ की जगह पर कंठ भी आ सकता है, ताल और तालव्य भी आ सकता है, तो उसमें भ्रमित नहीं होना है। ये ताल तद्भव हो जाएगा, तालव्य तत्सम हो जाएगा। उसी तरह मूर्धा या मूर्धन्य, दंत या दंते, है ना। तो देखिए, कंठ से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन है वो आपके काखा गगा अंगा याद रखना है, काखा गगा अंगा और हा को याद रखना है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, आ आ का उच्चारण और का वर्ग का उच्चारण, हा का उच्चारण और विसर्ग का उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। उसके बाद चाछा जाझा इया का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। और इसमें इस या को और तालव्य सा को भी याद रखिएगा। टाठा डाढ़ा आड़ा मूर्धा से उच्चारित होता है, और इसमें इस रा को और मूर्धा सा को भी याद रखिएगा। ताथा दाधा ना दंत से उच्चारित होता है, ला और सा भी दंत से उच्चारित होता है। और पाफा बाभा मा ओष्ठ से उच्चारित होता है, और वा जो है ये दंत ओष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपसे देखिए का खा गा घा, इसमें से भी कोई भी एक व्यंजन पूछा जा सकता है, या हा पूछ लिया जाए कि हा का उच्चारण स्थान क्या है, या चाछा जाझा इया में से कुछ भी पूछा जा सकता है, या अधिकतर तो ये तालव्य सा पूछा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, और ये मूर्धा सा पूछा जाता है, ये दंती सा पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। देखिए अभी इनकी संख्या 33 हो गई है, आप लोग गिन लीजिएगा। तो जितने भी 33 व्यंजन थे सबका वर्गीकरण किया गया है। फिर उसके बाद जो अगला विभाजन किया गया है वो है श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर। प्राण वायु उसी श्वास को ही कहते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प कहते हैं थोड़े को, है ना, प्राण अर्थात वायु, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। इसमें वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम, इसको 135 की संख्या से भी याद कर सकते हैं। इसके साथ जो अंतस्थ और सभी स्वर हैं, सभी 11 जो स्वर हैं, ये भी आपके अल्प प्राण ही होते हैं। महाप्राण वे वर्ण होते हैं, वे व्यंजन होते हैं जो देखिए जिनके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा लगती है उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे, वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ, तो इसको 24 की संख्या से भी आप याद कर सकते हैं। और इसके साथ में ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। तो देखिए कि इसको थोड़ा सा और यहाँ आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देख लीजिए कि देखिए कि ये वर्गों का प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंचम है। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये आपके क्या हैं, अल्प प्राण हैं। तो 15 तो ये हो गए, 15 ये हो गए, और उसके बाद या रा लावा चार ये हो गए, और उसके साथ में सभी स्वर मतलब जो 11 स्वर हैं वो हो जाएंगे 30। 30 तो ये हो जाएंगे, 30 क्या हो जाएंगे, ये अल्प प्राण हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि जो महाप्राण है तो वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण होते हैं, तो ये 10 तो ये हो जाएंगे। उसके बाद जो ऊष्म व्यंजन चारों हैं, ये सा, मूर्धा सा, दंती सा और हा, तो ये 14 जो व्यंजन हैं ये महाप्राण हो जाएंगे।
है ना। तो आप ये 14 और 30 को जब गिनेंगे तो ये 44 हो जाएंगे। अब मूल वर्ण आपके 44 ही होते हैं जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं। और ये जो अह है यह भी महाप्राण होता है, और ये क्या कहते हैं अन जो है ये क्या होता है अल्प प्राण होता है। तो ये तो मूल वर्णों में गिना नहीं जाता है भाई, अयोग वाह में है, 11 स्वर और 33 व्यंजन में इसको नहीं गिनते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी व्यंजन और स्वर थे सबको देख लिया कि कौन से अल्प प्राण हैं और कौन से महाप्राण हैं। तो आइए इसके आगे अगला विभाजन देखते हैं। देखिए, स्वर यंत्रियों में कंपन या घोषत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार से किए गए हैं, आघोष और सघोष। देखो, घोष का अर्थ होता है नाद, और आ नहीं का सूचक होता है अर्थात जहाँ नाद ना हो, और घोष अर्थात वही नाद होता है, और सघोष मतलब वही नाद के साथ में। तो घोष और सघोष क्या है, एक ही है। अब देखिए कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं, और ये तीनों सा इसमें आ जाएगा, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंती सा आ जाता है। उसके बाद देखिए कि जो घोष या सघोष है तो इसमें वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या होते हैं, और इसके साथ में सभी स्वर ये सघोष होते हैं। ध्यान रखिएगा कि सभी स्वर आपके अल्प प्राण होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब यहाँ पर आप और अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखिए कि ये वर्गों का प्रथम वर्ण है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंचम है। तो इसको आप देखेंगे तो 10 तो ये हो जाएगा, और ये तीनों सा जो है ये क्या हो जाते हैं, अघोष हो जाते हैं। इसके उच्चारण में कंपन नहीं होता है, लेकिन प्राणवायु अधिक लगती है ना, कंपन नहीं होता है, प्राणवायु अधिक लगती है, तो ये क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाते हैं। तो 10 ये और 3 ये, 13 जो व्यंजन है ये अघोष हो जाएंगे। उसके बाद वर्गों का तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्या होता है, सघोष होता है, सघोष कहो या घोष कहो। तो 15 तो ये हो गया, 15 ये हो गया, और 5 इसमें 4 अंतस्थ वर्ण या रा लावा और हा, ये 5 ये हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, और 11 स्वर, 11 स्वर और सब मिला के कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, ये सघोष होते हैं, है ना। फिर से देख लीजिए, 15 ये, और उसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन देखो यहाँ दिया गया है, ये 4 अंतस्थ व्यंजन और हा, तो 5 ये हो गया और सभी स्वर ये 11, ये क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। तो 11 ये हो गया टोटल 31, 31 और 13 कितने हो जाएंगे, 44। अब मूल जो वर्ण हैं यही आपके 44 ही होते हैं। तो और थोड़ा सा देखिए इसके आगे कि अन और अह भी क्या होता है, सघोष होता है। अगला वर्गीकरण देखेंगे उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें कोई निर्धारित संख्या नहीं है, अधिकतर 8 ही विभाजन मिलते हैं। तो देखिए, पहला है स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन आप ये जान ही रहे हैं कि वही का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपका यारा लावा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाता है, इसमें मुखांग पूर्णतः स्पर्श नहीं करता है। और देखिए फिर जो तीसरा है ऊष्म व्यंजन, तो इसमें ये तीनों सा और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसमें वायु क्या करती होती है कि घर्षण के कारण ऊष्म हो जाती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर देखिए आपसे पूछा जाता है संघर्षी व्यंजन, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी, जब भी ये पूछा जाता है तो विकल्प में दोनों रहता है। तो संघर्षी देखिए, संघर्षी व्यंजन जो है
वही जो घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी को कहा गया है। तो देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, तब आपका ये तीनों सा और हा हो जाएगा, है ना, तीनों सा और हा हो जाएगा संघर्षी व्यंजन। और ये जिसमें नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया गया है ये भी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब भी संघर्षी व्यंजन पूछा जाता है तो विकल्प में यही तीनों सा दिया रहता है और एक विकल्प में चाछा जाझा दिया रहता है। तो देखिए कि आप इसको कैसे याद करेंगे, है ना। अब जानते हैं कि चा छा जा झा ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है ना। 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसी में तो ये चा छा जा झा आता है। तो जब स्पर्श संघर्षी पूछेगा तो आपको चा छा जा झा लगाना है, और जब सिर्फ संघर्षी व्यंजन पूछेगा तब आपको ये तीनों सा और हा का विकल्प चुनना है। और एक चीज़ अभी हमको याद आ गया कि जो कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं जिसमें काखा गाघा अंगा है, और आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि जैसे यहाँ देख लीजिए कि ये तो कंठ से उच्चारित होने वाला है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी में आपसे पूछ लिया जाए इसमें जो पंचमा अक्षर है इसका उच्चारण स्थान नासिका है ना, तो ये तो कंठ वर्ग के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए एक विकल्प में दिया है कि अंगा का उच्चारण स्थान है कंठ दिया है, एक विकल्प में नासिका दिया है, और एक विकल्प में दिया है कंठ और नासिका दोनों, तो कंठ और नासिका दोनों हो जाएगा। तो ये सब जिस वर्ग में है उसमें तो आएंगे ही, लेकिन अगर अलग से इसको पूछ लिया जाए तो इनका जो पंचमा अक्षर है इसका जो उच्चारण होता है वो नासिका से होता है। तो यहाँ देखिए आपका क्लियर है ना कि जब संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो ये तीनों सा और हा हो जाएगा, और जब स्पर्श संघर्षी पूछेगा तो आपका चा छा जा झा ये हो जाएगा। अब देखिए प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित ये क्या होता है, रा होता है। प्रकंपित या लुंठित क्या होता है, रा होता है। और जो पार्श्विक व्यंजन है वो आपका ला है। यहाँ से भी बहुत पूछा जाता है प्रकंपित और लुंठित पार्श्विक पूछा जाता है, तो इसको आप ऐसे याद रख लेंगे। देखिए लुंठित रा, लुंठित रा, अगर लुंठित ला होता तो याद करने में सरलता रहती, लेकिन फिर भी सरलता है, आप इसको उल्टा याद करिए कि लुंठित ला नहीं होता है बल्कि क्या होता है, रा होता है। लुंठित ला नहीं है, क्या है, रा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और जब भी लुंठित आप पढ़िएगा कभी अकेले मत पढ़िए, इसको प्रकंपित और लुंठित साथ में पढ़िए कि प्रकंपित और लुंठित क्या होता है, रा होता है। प्रकंपित और लुंठित ला नहीं होता है, रा होता है। उसके बाद फिर आपका ये क्लियर रहेगा, इसी में भ्रम होता है कि लुंठित ला है कि रा है, तो जब ये क्लियर रहेगा आपका तो ये तो सही हो ही जाएगा कि पार्श्विक जो है वो ला होता है। ये पार्श्व प्लस इक प्रत्यय से बनना है कि ला के उच्चारण में पार्श्व का अर्थ होता है किनारा, कि इसमें जो वायु है वो किनारे से बाहर आती है, इसीलिए इसको पार्श्विक कहा गया है। फिर उसके बाद ताड़नजात या उत्क्षिप्त या विकसित व्यंजन या द्विगुण आपका ये ढ़ा और ढ़ा है, तो इसको याद रखिएगा।